Hi, this is Sunidhi Chauhan and you're watching Teleboosters. Hi Sunidhi, welcome to Teleboosters. Hi. सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो आपकी लुक डेली टू डेली आपको जो लुक दिए जा रहे हैं काफी ब्यूटीफुल दिए जा रहे हैं और आप इसमें बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रही है. क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने लुक के? थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट. येस, पर्सनली मुझे भी ये लुक बहुत बहुत पसंद है एंड लाइक रियल लाइफ में सुनिधि भी ऐसे कपड़े पहनती है एंड उसको ऑन स्क्रीन भी वही रोशनी प्ले करने में ऐसे ही कपड़े मिल रहे हैं एंड मेरे लुक पे उन्होंने बहुत काम किया है बिकॉज एक कट्टोई ने एक सिंपल लड़की से एकदम एक वैम्पिश लड़की दिखाना था और तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस करने ही थे. एक्चुअली वुमेंस डे पे ऑलवेज लाइक आई एम ब्लेस्ड एंड आई थैंक गॉड कि मैं काम ही कर रही होती हूँ और तो फैमिली तो नहीं रह पाता है उनके साथ तो टाइम स्पेंड नहीं कर पाती हूँ. बट ये ज़रूर है कि मैं वुमेंस डे इट्स लाइक कि मैं हर दिन उसको सेलिब्रेट करना पसंद करूँगी क्योंकि इट्स नॉट जस्ट वन डे कि हमें हमारा वुमेन प्रायोरिटीज़ को प्रायोरिटाइज करना चाहिए बट इट्स लाइक कि एवरी डे हमें अपने आप को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, हमें अपने आप को बहुत प्यार करना चाहिए और इट्स लाइक वी से सेल्फ लव इज़ मस्ट. सो येस एंड जहाँ तक हम सब जानते हैं दैट वुमेन आर सो स्ट्रॉन्ग और हमारी मदर हमें बर्थ देती हैं, दैट्स द बिगेस्ट पेन शी वो उनको झेलना वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, इट्स नॉट ईजी. सो मुझे लगता है कि वुमेन इनबिल्ट है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है पहले से ही, बस उनको एक सेल्फ रियलाइजेशन की बहुत ज़रूरत है और मुझे लगता है कि लाइक जस्ट बी योरसेल्फ, लव योरसेल्फ एंड कोई भी किसी भी सिचुएशन में अपने आप को लेट डाउन करना वाली फीलिंग जो होती है वो नहीं आनी चाहिए. बहुत ही फेमिनिस्ट साउंड करेगा ये कि बट हम लोग मेंस को भूल जाते हैं. बट नहीं यार, लाइक हमारे मतलब ऑब्वियसली हम सबकी लाइफ में एक फादर होता है तो एक मदर भी हैं और तो इट्स लाइक कि मेंस डे भी है और मुझे लगता है शायद है अगर आई गेस इंटरनेशनल मेंस डे भी है बट इट्स लाइक सेम. मुझे ऐसा लगता है कि फादर्स आर ऑल्सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, उनको एक इनबिल्ट उनको ऐसा मिला हुआ है दैट दे हाइड देयर इमोशंस सो वेल. हम लोग वुमेन बहुत ईजिली इमोशनली अपने आप को वेंट आउट कर देती हैं वाइल क्राइंग और समथिंग कुछ ना कुछ किसी चीज़ों को लेकर, बट फादर्स एंड लाइक मेंस उन लोगों को एक इनबिल्ट है कि दे ऑलवेज होल्ड देयर इमोशंस, किसी के सामने अपने इमोशंस को बहने नहीं देना है. तो मुझे लगता है कि वो भी अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग है. सो इट्स लाइक कि मुझे लगता है एवरी गॉड हैज़ मेड एवरी एस्पेक्ट्स सिमिलर और दी कुछ ना कुछ करके उसको वैसा बनाया ही गया है. अरे आई एम सो सो एक्साइटेड फॉर महाशिवरात्रि, लाइक एवरी टाइम आई एम एक्साइटेड बिकॉज दीज आर द टू फास्ट आई ऑलवेज नेवर स्किप इन माई लाइफ, वन इज महाशिवरात्रि एंड द अदर इज जन्माष्टमी. और जब से मतलब अभी मैं थोड़ा सा भोले बाबा से बहुत कनेक्टेड फील करने लगी हूँ पास्ट वन ईयर से, सो मैं मंडेज तो वैसे भी फास्ट रखती हूँ एंड टुमारो अगर महाशिवरात्रि है तो येस आई एम फास्टिंग टुमारो ऑल्सो. और येस मैं मंदिर जाऊँगी और शिवलिंग पे जल चढ़ाऊँगी, दूध चढ़ाऊँगी, बेलपत्र जितने भी जो इंग्रेडिएंट्स हम लोग करते हैं जो मंदिर में पूजा करते हैं वो मैं करूँगी हर साल की तरह. ये तो होगी बात महाशिवरात्रि की, अगर फेस्टिवल्स की बात की जाए तो किस तरीके से आप सेलिब्रेट करते हैं? अरे आई लव सेलिब्रेटिंग दिवाली बिकॉज दिवाली एक ऐसा समय है जहाँ मुझे एक्साइटमेंट होती है कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहूं और मतलब दशहरा है, दशहरे पे हम लोग मतलब मैं मॉम डैड मेरा भाई हम लोग होम टाउन जाते हैं, वहाँ पे हमारे कज़न से मिलते हैं. सो दीज आर द टू फेस्टिवल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ. और होली भी ठीक है, होली से थोड़ा सा स्किन में रैशेज आ जाते हैं बिकॉज माई स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव, सो मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ होली. बट मैंने बचपन में बहुत खेली है, अब जाके थोड़ा सा कॉन्शियसनेस होने लगा है बिकॉज व्हाट मतलब अभी हम कैमरे पे एक्टिंग करते हैं तो नेक्स्ट डे हमारा शूट होता है एंड वी हैव टू मतलब हमारी स्किन स्पॉइल ना हो जाए तो येस. और कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं हमारे,
देयर सो मैनी फेस्टिवल्स, मतलब मुझे लगता है दीज आर द मेन हमारे जो चीज़ें हैं. और फिर नवरात्रे आता है, दैट्स द बिगेस्ट, मतलब साल में दो बार आती है नवरात्रि, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं. आई ऑल्सो फास्ट दैट टाइम बिकॉज मुझे अच्छा लगता है और मैं काफ़ी सालों से फास्टिंग कर रही हूँ एंड आई फील कनेक्टेड टू गॉड वाइल दिस. मेरा मानना ये है कि अगर हम फास्टिंग कर रहे हैं तो वी शुडंट ईट, बिकॉज फास्टिंग का मतलब क्या हुआ? अगर आप पूरा दिन खाते ही रहोगे तो देन मतलब मुझे लगता है कि इट्स अ वेस्ट ऑफ इमोशंस, सेंटिमेंट्स, एवरी थिंग. सो जस्ट टू हैव थोड़ा सा एसिडिटी ना हो, मॉम मुझे बोलती है कि हैव अ सिप ऑफ ग्लास ऑफ मिल्क या कॉफ़ी पी ली या चाय पी ली. सिंस आई डोंट ड्रिंक टी तो मैं कोशिश करती हूँ कि दूध और कॉफ़ी पी के सुबह, और मखाने होते हैं एंड पीनट्स, उनको थोड़ा सा घी में उनको भुन के वो मैं खाती हूँ सुबह. एंड वाइल द होल डे आई डोंट ईट, आई जस्ट ड्रिंक वाटर. मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत बहुत अच्छी तरीके से आप लोग वुमेंस डे को सेलिब्रेट कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, डिनर पे जाइए. और सिंस महाशिवरात्रि भी है तो जो भोले बाबा को मानते हैं फास्टिंग करें और मंदिर जाएं और भोले बाबा से बहुत सारी ख्वाहिशें मांगें, वो ज़रूर पूरी करेंगे.